हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए वीडियो पे। और दोस्तों, अभी आज बारिश बहुत ही हुआ था रात को, तो अभी दिन में प्रॉपर किस लग रहा है देखिए। और अब ऐसे ही नहा धो के रोज़ की तरह दुकान में हाजिर हैं, और अभी इंतज़ार है टेम्पो वाले का जिससे मैं सामान रखता हूँ, क्योंकि आज भी बहुत सारा सामान ख़त्म हो चुका है। मुझे लगता है कि मैं बहुत ही पैसा बिक्री हो गया है मेरा, पर कोल्ड ड्रिंक्स का हटा देने के बाद पैसा इतना सा लगता है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा जाता है। यहाँ कम से कम 20-25 टू रोज़ का है, तो 20 से ऊपर ही जाता है रोज़ कोल्ड ड्रिंक्स। तो उसी का पैसा को देखने से लगता है कि ज़्यादा हो गया, पर उसका पैसा हर अलग करने से पैसा इतना लगता है, तो सामान भी ज़्यादा आ नहीं पाता। तो अभी वही कल 600 कुछ रुपये बाकी थे, तो आज 700 कुछ रुपए सिर्फ है मेरे पास, तो उतना ही में जो सामान आएगा फिर आज भी देखिए उधारी होना पड़ेगा। और कोल्ड ड्रिंक्स अभी पैसा अगर अलग ना करें तो कोल्ड ड्रिंक्स दोबारा खरीद भी नहीं पाएंगे। देखते हैं अभी ऑटो वाला आएगा और क्या क्या देगा आज। और आज मिसेस की ड्यूटी गई नहीं है, आज शायद गांधी जयंती है या कुछ है, तो आज छुट्टी है काम, तो आज कुछ तो हल्का शांति मिलेगा मुझे, क्योंकि कल इतना परेशान हो गया था बच्चों के चक्कर में, इतना परेशान हो गया था कि बोल नहीं सकते आपको। स्टेमिना ख़त्म हो गया था मेरा, बहुत ही गुस्सा आ रहा था, रोना आ रहा था मुझे कल बच्चों के चक्कर में। और शाम को घर में भी बोलते हैं कि बच्चा पकड़ता नहीं है, मेरा पिताजी बोलते हैं कि बच्चा पकड़ता नहीं है, खाली मोबाइल में लगे रहता है। आप लोग को पता ही होगा कि मैं क्या करते रहता हूँ दिन भर, लेकिन घर वाले बोलते हैं कि बच्चा पकड़ता नहीं है, मोबाइल में लगे रहता है। सर कोई नहीं, तो देखते हैं अभी दुकान वाला आएगा। और मिसेज जो है वो अपना कुछ पिट्ठा बना रही है, तो चलिए आपको दिखाता हूँ मैं एक बार। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, बच्चे भी अंदर ही हैं। और ये देखिए सुबह सुबह रोज टीवी देखते रहता है, इसको बार बार मना करने से भी टीवी देखते रहता है। और देखिए अंधेरा कितना है घर में। और इधर हम लोग का पिट्ठा बनाया जा रहा है, मैं फ्लैश ऑन कर देता हूँ। तो ये देखिए ये लोग भी इधर बना रहा है, इधर बन रहा है, इधर खाना चल रहा है। ये है सूजी का पिठा है, रोटी क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं, खाखरा क्या बोलते हैं उड़िया में बोला जाता है। ये देखिए तो मस्त बन रहा है, इधर तेल तला जा रहा है, एक पर ज़्यादा खाया नहीं जाता है, बहुत ही ऑयली रहता है और ये बहुत ही मीठा रहता है, तो मुझे इतना भी पसंद नहीं है। ये देखिए बन चुका है इधर, तो चलिए ले लेते हैं एक बार। अरे 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 चल 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 चल, अरे दोस्तों बहुत ही गर्म है, बहुत ही गर्म है, थोड़ा दे दो। देखिए तेल कितना, देखिए बहुत ही तेल रहता है इसमें। ये देखिए ऐ देर कहाँ को थी, देखिए इसका पानी, तो चलिए देख लिया अपने। और इधर सब्जी भी कुछ हुआ है, करेला का भुजिया है, और इधर है पता नहीं क्या हो, ये तो वही पिठा के लिए बनाया जा रहा है। तो चलिए दुकान चलते हैं। इसको बार बार बोलने से ये समझता नहीं है, ये एक नंबर का ढीठ आदमी, ये ढीठ हो गया पूरा ढीठ। टीचर मौसी आ रही है, जो बहुत पहले यहाँ पे रहते थे वो लोग बगल में, पर मौसा जी का डेथ होने के बाद वो गाँव चले गए। ओ आई है, ये देखिए वो मौसी आई है, आज कल आई थी पर अभी आ रही है मिलने के लिए। भाई जी हेलो, बता हम कितना कहा जी सब वो नहीं ना राशन सामान तुझे जाकर एक्स्ट्रा कुछ नहीं जिस का बता दे मुझे कहीं। और भाई दोस्तों अभी 3:30 बज रहे हैं, आज बहुत ही बिजी था थोड़ा, और आज मेरा भाई भी आया था जो मौसी आई थी, तो उनके साथ थोड़ा बिजी हो गया था। और दोस्तों अभी भाई बता रहा था कि गांव में शायद हम लोग का कल कुछ मीटिंग है, तो शायद मुझे जाना पड़ेगा वहां पर, अब क्या चीज़ का है वहीं पर जाने से पता चलेगा, झमेला वाला होगा शायद, तो मैं सोच रहा हूँ कल सुबह जाऊंगा। तो कल मैं आपको दिखाऊंगा कि कल क्या हो रहा है वहां पर। तो दोस्तों कल घर जाऊंगा तो गांव जाऊंगा तो कल इधर सामान वामान सब कुछ का पता नहीं, सुबह निकलूंगा या
थोड़ा देर बाद निकलूँगा। अब उधर मीटिंग कितना बजे बैठेगा वो भी मुझे पता नहीं है, मेरे भैया को भी पता नहीं है क्योंकि गांव वाले कुछ चक्कर में है शायद, तो वो भी बता नहीं रहे कि कितना अभी तक उनको, हम ही लोग को लेकर मीटिंग है पर हम लोग का समाज वाला हम लोग का अभी तक खबर दिए नहीं है, पर बैठेगा मीटिंग पक्का। तो मेरे भाई को भी पता नहीं था लेकिन गांव वालों के मुँह से पता चल रहा है कि कल मीटिंग होगा। तो पता नहीं कल अगर निकलूँगा जल्दी तो मैं आपका दुकान का सामान ले नहीं पाऊँगा, और वाइफ रहेगी तो पता नहीं वो क्या करेगी क्या नहीं, और बहुत सामान ख़त्म हो चुका है। तो देखते हैं कल कितना बजे हो रहा है, आज शाम को मेरा भाई फ़ोन करेगा कि टाइम कितने बजे होगा मीटिंग, देखते हैं। और मैं सोच रहा हूँ एक दोस्त को भी लेके जाऊँ ताकि वो वहाँ का वीडियो कर सके, अगर हम लोग उधर मीटिंग में बैठे रहे तो एक दोस्त भी जाएगा तो वो वीडियो कर लेगा तो अच्छा होगा। हम लोग का समाज वाला बहुत ही हरामी है इसीलिए बार बार मीटिंग हो रहा है हम लोग का। तो कल देखते हैं कल कितना बजे निकलेंगे। और दोस्तों अभी गाड़ी मेरा ख़राब हो गया था तो पता नहीं मेरा गाड़ी चैन उतर जा रहा है, एक्चुअली गाड़ी का चैन सुकर गया हुआ है, तो सोच रहा हूँ दोस्त को बोलूँ उसके गाड़ी में चल जाएंगे अगर वो जाएगा तो, देखते हैं। तो दोस्तों अभी रात के 10:30 बजे हैं और दोस्तों आज मैं अच्छे से वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि मेरा जो भाई आया था वो गांव की हालत जो है उसको बताया मेरे को कि यहाँ पे बात किया मीटिंग हो रहा है ऐसे ऐसे बोल रहे हैं समाज वाले ऐसे हो रही है, तो वही वाला सर पे घुस गया और इधर उधर माइंड वहीं पर घूम रहा है, तो इसी चक्कर में आज वीडियो बना नहीं पाया। और अभी देखिए 10:30 हो गया रात का, तो अभी मैं बंद कर रहा हूँ दुकान और कल जाऊँगा गाँव, देखते हैं वहाँ क्या होता है। और सोच रहा हूँ कि अगर कल उधर जाऊँ तो उधर सुना है कि उधर बहुत ही कम रेट में मिलता है जो ये गुटखा आइटम हो गया लेस आइटम हो गया, तो मैं उधर से भी कुछ ले आऊँगा कल अगर जाऊँगा तो। तो आज के लिए बस यहीं पे ख़त्म करते हैं और कल मैं आपसे एक चीज़ शेयर करूँगा जो कि मुझे लग रहा है कि मुझे मेरे साथ कुछ अलग अच्छा होगा शायद, तो मैं वो चीज़ कल बताऊँगा अगर याद रहा तो। तो आज का ब्लॉग बस यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल के ब्लॉग पर, और कल मैं आपको मेरा अपना गांव भी दिखाऊंगा अच्छे से। तो मिलेंगे कल, गुड नाइट, गुड बाय।